पहली बार आर पार की लड़ाई है। अगर सरकार इस अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से अगर नहीं चेतेगी तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे और उग्र आंदोलन जहां तक होगा करेंगे। हम लोग का इंतजार पेशेंस खत्म हो गया है। नमस्कार, जीएन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं सोनू कुमार पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के पास, जहां पे धरना स्थल है, जहां हमेशा हम लोग आते रहते हैं। यहां पे हमेशा धरना स्थल जो है वो हमेशा भरा पड़ा रहता है, खचाखच भरा रहता है। वहीं आज फिर से मौजूद हैं हम लोग धरना स्थल पे, जहां पर फिर यहां पर एक बार फिर कुछ लोग धरना पर बैठे हैं और जानेंगे कि इनकी क्या मांग है। हम लोग का बस एक ही मांग है समायोजन का। सरकार का स्पष्ट आदेश है कि 10 से 15 जिनका भी कार्य विभाग में 10 से 15 वर्ष हो गया है उनको हम परमानेंट करेंगे, लेकिन आज हम लोग का 15 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार के लाल फीताशाही, अफसरों के लाल फीताशाही और रेपटिज्म के कारण हम लोगों का अभी तक समायोजन नहीं हुआ है। भू बंदोबस्त कार्यालय में हम लोग अति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, खतियान लेखन सफाई मुहरिर हैं हम लोग रांची भू बंदोबस्त कार्यालय से। इस पर हम एक शेर कहना चाहेंगे कि हर शाख पिल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हम आगे ये भी कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई बार हम लोग 2014 में भी 77 दिन धरना दिए, उसके बाद वो हम लोग को बोले कि कर देंगे। फिर हाल में भी हम लोग अल्टीमेटम दिए, अल्टीमेटम देने के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आगाज़ किए और ये धरना प्रदर्शन उस वक्त तक रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। और इसके लिए चाहे हम लोग के लिए जो करना पड़े, पहला स्टेप हम लोग का रहेगा अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं किया गया, समायोजन नहीं किया गया, तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग आत्मदाह पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हम लोगों का इस जो मांग है उसको पूरा करें। और उन्होंने वादा भी किया था, अभी हाल ही में 10-15 रोज़ पहले दुमका के सफाई मुहरिरों ने उनका घेराव किया और वहाँ उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको नोट करो और मैं रांची में जाऊँगा और इन लोगों का समायोजन कर दूँगा। लेकिन आज 20-25 रोज से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सरकार की उदासीनता का परिचायक है और हमें सरकार को चाहिए कि अगर वो अपना आम पब्लिक के बीच अगर वो अपना स्थान बनाना चाहती है तो जितना भी विभाग है उसका औचक निरीक्षण करना चाहिए और तमाम विभागों में जितना भी जो रिक्त पद है उसको समायोजन करना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी बार बार उन्होंने कह रहे हैं कि सरकार झारखंड में जो बेरोजगारी जो फैला हुआ है जितना विभाग में जो रिक्त पद है उसको हम भरेंगे, आखिर वो अपना इस वचन को कब पूरा करेंगे। मेरा एक ही सवाल है हेमंत सोरेन से कि वो अपना वादा कब निभाएंगे और हम लोग इस भरी बरसात में कब तक इस तरीके से पानी में धूप में हम लोग ऑन रोड सरकार के समक्ष राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं और सरकार अभी तक कैबिनेट में नहीं लाई है। हाँ, आप लोग ये माओवादी सब यूज कर रहे हैं क्या, कुछ मजबूरी में क्या करेंगे। हम लोग 15-20 वर्षों से भू बंदोबस्त कार्यालय में अति महत्वपूर्ण काम करते आ रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और तमाम MP MLA से हम लोग बार बार इस तरह का धरना प्रदर्शन से और किसी के मार्गदर्शन से हमें मिलते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन बार बार दे रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, इस बार होगा, अगले बार होगा, अगले कैबिनेट में ले जाएंगे। हम लोग तंग आ चुके हैं। अगर इस तरह का ई बार आर पार की लड़ाई है, अगर सरकार इस अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से अगर नहीं चेतेगी तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे और उग्र आंदोलन जहाँ तक होगा करेंगे। हम भी वही कहना चाहेंगे, हम लोग का समायोजन न था शीघ्र करें, हम लोग का इंतजार पेशेंस खत्म हो गया है और इस बार अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मन बना लिए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।